वेलकम टू लर्निंग स्ट्रोम अकेडमी फ्रेंड्स। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ स्विंग इन जावा, मतलब जो भी हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं अपने स्विंग में, जे लेवल हो गया, जे टेस्ट फील्ड, जे टेबल हो गया, ये सब कंपोनेंट्स हम जो यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो इनको आज हम लोग एक आईडीई में बनाएंगे अपने प्रोग्राम को। आईडीई जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि आपका नेट बीन्स हो गया, हम लोग बनाने वाले हैं इक्लिप्स के अंदर। तो हम लोग इक्लिप्स के अंदर अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। पहला हम जो कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं वो है जे लेवल। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसको तैयार कर दिया है, मैंने एक अपना पब्लिक क्लास ले लिया है, उसमें मैंने स्टैंड कर लिया है जे फ्रेम को। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है, मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है, क्योंकि जो भी हम चीज़ लिखते हैं मैंने बताया हुआ है पहली वीडियो में कि सब चीज़ हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने एक स्टैटिक फंक्शन ले लिया है, पूरा अपना मेन फंक्शन जो होता है वहाँ हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। स्विंग ओपीजी, इसका जो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है इसका न्यू कंस्ट्रक्टर के नाम से, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट है। यहाँ इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं जे लेवल को। तो यहाँ हम लोग जे लेवल, हमने एक कंपोनेंट ले लिया जे लेवल कंपोनेंट, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जे एल। जे एल के नाम से हमने उसे ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाते हैं, जो भी इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के बाहर करते हैं। अब जो भी हम इसको हम लोग यूज़ करेंगे वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर जे एल इज इक्वल टू न्यू जे लेवल। इसके बाद हम लोग जो भी जे लेवल हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, जे लेवल हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक पे लिखा हुआ था एंटर योर नेम, एंटर पासवर्ड, तो वो जो लाइन लिखी होती है ना एंटर, किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को हमें प्रिंट करना हो अपने फ्रेम के अंदर, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं जे लेवल का। तो यहाँ हम लिख देते हैं लर्निंग स्ट्रोम अकेडमी, तो ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा हमारे इस पे फ्रेम के ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं, अब भाई प्रिंट तो होके आ जाएगा पर अब ये आएगा कहाँ पे? तो आने इसको जगह देने के लिए, इसको एक्सेस देने के लिए वो हम यूज करते हैं जे एल डॉट सेट, जे एल डॉट सेट बाउंस। इसके बाद इसका जो पहला जो आता है वो होता है इसका एक्सेस, कहाँ पे इसको एक्सेस भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यार 200 करता हूँ, और यहाँ पे इसको वाई एक्सेस जो है मैं इसको 250 कर देता हूँ। और इसका जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, थोड़ी तो ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं 90 ले लेता हूँ। हाइट इसकी मैंने 40 ले लेनी है। तो ये हमारा हो गया इसके बाउंस। अब क्या होता है, हमें लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, इसको हमें ऐड करना होता है इसको हमें फ्रेम के ऊपर। तो उससे करते हैं हम ऐड जे एल से, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। इसको हम लोग चला के देख लेते हैं, हमारा प्रोग्राम रीड है, जे लेवल हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ मैंने एक मेन जो मेथड बताए थे आपको, तीन होते हैं ये तीनों, सेट विजुअलाइज, सेट विजिबल और सेट डिफॉल्ट। तो यहाँ मैंने एक और मेथड यूज़ किया है सेट लेआउट, सेट लेआउट जो ये जो कि अपने फ्रेम का लेआउट जो सेट करता है, सबसे पहले इसको लिखा जाता है, उसके बाद में सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लास्ट में हम लोग ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं, सबसे पहले ही वाला यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 180 या 120 या 40 लिया हुआ है, और सेट साइज का 1000 कर दिया है। इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं, तो ये इसका आउटपुट आ गया है यहाँ पर लर्निंग स्ट्रोम अकेडमी में। यहाँ पर अगर इसका जो 120 है, यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा 150 कर दूंगा, 160 कर दूंगा, तो ये पूरा आ जाएगा। थोड़ा अभी मैंने इसको 120 लिया हुआ है, थोड़ा सा नाम कम आ रहा है, इसको पूरा कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा जे लेवल, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने स्विंग के अंदर। अब आती है बात हमारी, हम नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं जे टेस्ट फील्ड का। तो टेस्ट फील्ड का कैसे करते हैं, यहाँ पे जे ले लेना है, जे टेक्स्ट जो नाम हम बोल रहे हैं उसी नाम से होता है। तो यहाँ पे हमने इसका जे टी से इसके मैंने ऑप्शन बना लिया है, सेम मैं इसके स्टेप्स कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसको जे टी कर देना है आपको पूरे में, जे टी और सेट बाउंड को सबका करना पड़ेगा, और ऐड भी आपको सबको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, जे टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर ये नहीं आएगा कुछ भी, इसमें ये इतना ही आएगा। इसके जो हमें एक्सेस है वो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम एक्सेस पर नहीं हो सकते। पहले तो मैं इसको 160 कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं इसके जो अगर 160 है इसका मैं वाई एक्सिस यहाँ से चेंज कर देता हूँ, वाई एक्सिस का हम लोग ले लेते हैं 150। तो इसको यहाँ से हम लोग रंग करके देख लेते हैं, यहाँ से इसको रंग किया,
इसका ये हो गया हम लोगों का जेल लेबल, यह हो गया हम लोगों का टेक्स्ट फील्ड। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं आराम से, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होगा जे पासवर्ड फील्ड। ये जो हम लोग अपने पासवर्ड डालते हैं ऐसे एपी पे, तो उसमें स्टार स्टार बने हुए आते हैं, है ना, तो वो आते हैं अलग से, वो यूज़ करते हैं जे पासवर्ड फील्ड में हम लोग। तो इसका हम लोग जेपी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ से, यहीं हम इसको एक बार, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, स्मार्ट वर्क करना होता है हम लोगों को। यहाँ से इसको ले लिया, इसको जेपी कर दिया, तो यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोगों ने पेस्ट कर देना है। यहाँ पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपका। उसके बाद इसकी एक्सेस जो रहेगी वो आप कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सेस वाई एक्सेस नीचे कर देते हैं फिर दोबारा से हम लोग। तो इसका हम वाई एक्सेस कर देते हैं 200 कर देते हैं इसका वाई एक्सेस। इसको हमने फिर से ऐड करना पड़ेगा, ऐड आपको सबको करना है, तो जेपी हमने इसको ऐड कर देना है। ये हो गया हम लोग, इसको एक बार हम रंग करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है लेबल, ये हमारी आ गई टेस्ट फील्ड। ये हम लोगों का लग टेस्ट फील्ड जैसे ही रहे, पर इसमें हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग इसमें आएगा। हम टेस्ट फील्ड में अगर सिर्फ सिंपल टाइप करते हैं तो ऐसे आता है, अगर हम लोग पासवर्ड फील्ड में टाइप करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप आपके लिस्ट में आइटम दिए होते हैं, आप क्लिक करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। आपके पास लिस्ट में आइटम दिए होंगे, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिटी आपको सेलेक्ट करना है, आगरा है, दिल्ली है, नोएडा, क्या उसको सेलेक्ट करना है हम लोग देखते हैं। तो वो बनता है कॉम्बो बॉक्स की मदद से, इसको हम लोग देख लेते हैं वो हमारा कंपोनेंट कैसे काम करता है। कॉम्बो बॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जे कॉम्बो बॉक्स। यहाँ हम लोगों ने जी कॉम्बो बॉक्स बना दिया, यहाँ से हमने जे सी बी ले लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। दोबारा से यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि हमें इसमें आइटम ऐड करने पड़ते हैं, तो इसमें हमें से आइटम हमें ऐड करना है आगरा, दिल्ली, नोएडा, तो उसके लिए हमें अलग 4-5 लाइन लिखनी पड़ेंगी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जे कॉम्बो बॉक्स लिया यहाँ से, इसका मैंने ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ मैंने जे सी बी डॉट एड आइटम, यहाँ मैंने लिख देना है ये आइटम, तो यहाँ मेरे को लिख देना है आगरा, ऐसे एक और मैंने लिख देना है जे सी बी डॉट एड आइटम, यहाँ मेरे को लिख देना है दिल्ली। इस तरीके से मैंने इसमें 4 नाम ले लिए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब दोबारा से हम लोग को इसको जे सी बी जो है इसको सेट बाउंस करने पड़ेंगे। तो पहले हमने ऊपर वाले के कितने बाउंड लिए थे, सेट बाउंस लेते हैं इसको हम लोग, कितने लिए थे 100। तो इसको हम नीचे लेते हैं 100 ही एक्सेस रखते हैं, वाई एक्सेस में रखता हूँ इसकी 250, और इसका जो विड्थ तो है 50, इसका जो हाइट है वो भी हम लोग लिख लेते हैं 30 लिख लेते हैं। फिर से हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए सिंपल हमें इसे ऐड जे सी भी लिखना है, इसके बाद हम इसे चला के देख लेते हैं। इसके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, इसको हम चला के देखता हूँ। तो ये आ गया हमारा कॉम्बो बॉक्स, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं आगरा, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, इस पर क्लिक करेंगे वो इस पर स्क्रीन पर आ जाएगा। ये हो गया हमारी टेस्ट फील्ड से, हो गया हमारा ये हो गया हमारा लेबल, ये हो गया पासवर्ड, ये हो गया हमारा कॉम्बो बॉक्स। हम लोग देखते हैं इसमें चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी सिंपल ही होता है, अब हम लोग बनाते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग को दो चीज़ ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं एग्जाम में, दोनों में से एक चूज करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं चेक बॉक्स। उसमें हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट ले लेने हैं, जे आर
कॉमन जेएस, ये दो हमने इसके ऑब्जेक्ट ले लिए। यहाँ दोनों को हम लोगों को, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों को मेमोरी में डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को जेएस इक्वल टू न्यू ये चेकबॉक्स, जो भी चेकबॉक्स का वो नाम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रीडिंग दे दिया, रीडिंग दे दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने रीडिंग कर देना है। एक बार मैंने इसको जे आर को न्यू जे चेक बॉक्स, इसको मैंने प्लेइंग बैडमिंटन दे दिया, तो ये दोनों हमारे इसके चेकबॉक्स में आ गए। और इन दोनों को हमें सेट बाउंड करना पड़ेगा कहाँ पे आने चाहिए ना, तो इन दोनों को मैं चेक सेट बाउंड कर देता हूँ। जैसे कि पुराना वाला हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से मैं जेएस को जेएस ले लिया, यहाँ मैंने इसको 20290 ले लेता हूँ मैं। जैसे कि 250 ये लिया है और 330 हमने ये लिया, इसके हिसाब से मैं इन दोनों को ऐड करता जा रहा हूँ और इसको डिसाइड करता जा रहा हूँ 10 का गैप लेते हुए। ऐसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसका मैं एक्स एक्सिस बढ़ा देता हूँ। जैसे कि इसका मैं एक्सिस देता हूँ 190, 180 प्लस 10 190, इसको मैंने जे आर कर देना है। इसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों बटन की शेप में आने वाले हैं, बटन का ऐसा काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे को एक और कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो है हमारा बटन ग्रुप। मैं इसको बीजी के ऑब्जेक्ट से ले लेता हूँ बटन ग्रुप को, तो यहाँ मेरे को इन दोनों जो मैंने चेकबॉक्स बनाए इन दोनों को बटन में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं अपना एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेमोरी में डाल देता हूँ इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप, उसके बाद इन दोनों को बीजी डॉट एड जे एस बीजी डॉट एड जे आर, तो मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद अब मेरे को ऐड लास्ट में जाके बस एक बार ऐड जे एस करना होगा और ऐड जे आर, ये दोनों जो है मेरे चेकबॉक्स इससे आ जाएंगे। तो रंग करके देख लेते हैं हम लोग, इसको मैंने यहाँ से रंग किया तो फिर इसका ये आउटपुट आ गया, ये हो गया हमारे दोनों चेकबॉक्स। इनमें से किसी को भी आप टिक कर सकते हो, ये हमारे हो गए चेकबॉक्स, ये हो गया हमारा लेबल टेक्स्ट फील्ड, ये पासवर्ड कॉम्बो बॉक्स, ये हो गया हमारा चेकबॉक्स। अब हम लोग बात करते हैं अपने रेडियो बटन के बारे में। रेडियो बटन जैसे कि आपको जैसे कि पांच ऑप्शन दिए हैं, पांचों को टिक करना है या फिर चारों को, या फिर उनमें से एक भी नहीं, एटलीस्ट वन तो एक तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग रेडियो बटन के लिए देख लेते हैं, रेडियो बटन के लिए भी सेम बटन ग्रुप यही यूज हो जाएगा। रेडियो बटन ले लेते हैं यहाँ से, पहले इसके दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है, जे एम कॉमा जे एफ ले लिया मैंने। यहाँ सेम जे एम लिया है ना ऊपर, जे एम एंड जे एफ, जे एम को यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट का न्यू बना लेना है इसका न्यू, रेडियो बटन इसका नाम दे देना है मेरे को हेलो, यहाँ से कर देना है। इसके बाद दोबारा जे एफ ले लेना है, सेम टू सेम ये लेना है, थोड़ी कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको जे एफ, इसको यहाँ
ऐसे ले लेता हूँ कि दो मैंने गेट यू बटन ले लिया अपने, जेएम और जेएफ, इन दोनों को मेरे को सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो सेट बाउंड के लिए मैं ये दोनों के सेट बाउंड कॉपी कर लेता हूँ, एक्सेस चेंज कर दूंगा इनकी मैं, यहाँ से इसको हमें पेस्ट कर देना है, जेएम और जेएफ, इसके एक्सेस मेरे को वाई एक्सेस चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसको 9 to 30 तो इसको मैं 330 कर देता हूँ, इसको भी मैं 330 कर देता हूँ। इसके बाद सेम वही मेरे को ये बिजी बटन के लिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बिजी बटन, क्योंकि दोनों ये भी रेडियो बटन है, नाम से पता लग रहा है कि बटन है, तो ये तो मैंने यहाँ पे भी बिजी बटन में ऐड करना पड़ेगा, यहाँ मैंने इसको जे एम और जे एफ। एक बार हम इसको इंस्टॉलाइज कर चुके हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हटा दिया हमने। इसके बाद ऐड जे एम ऐड जे एफ यहाँ से कर देना, तो ये हमारा इसमें रेडियो बटन भी आ गया। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा रेडियो बटन, ये दोनों हमारे रेडियो बटन हो गए, ये हमारे चेकबॉक्स हो गए, ये कॉम्बो बॉक्स, ये पासवर्ड। तो आज के सारे हमारे ये कंपोनेंट हमने यूज़ करे हैं, ये भी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग स्ट्रॉम अकेडमी।